हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में अवेलेबल करना चाहिए पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट में, जिसमें यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स विच कैन कम अप, जो के हमारे एमएलए एमपीज जो थे उन्होंने पिछले सालों में उसके ऊपर काम नहीं किया। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को रिवैम्प करने के लिए एमएलए रईस शेख ने, रईस भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बदलाव आया, लेकिन फायदा कितना पहुंचा अगर मैं देखूं तो, अगर अपने पास एक बेसिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं है तो मेडिकल कॉलेज लाएंगे कहां पे? जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो उस चीज को एग्जीक्यूट कराते हैं, और जो औहदे पे बैठे हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार कॉर्पोरेशन वाले, ये दोनों का मेल नहीं खाता, क्योंकि हर एक की अपनी प्रायोरिटी है। अब इस चीज के अंदर मेरा गांव पीछे रह गया, ये थॉट ही नहीं है ना हमारे पास कि हमको क्या मिल सकता है। ये हमारी कम्युनिटी का डेफिशिएंसी है, हमको उसकी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और उसको ड्रॉप आउट नहीं करने के लिए कहां से सपोर्ट ला सकते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको बोलूं तो ये हिस्ट्री जाती है वे बैक, जब लोकल की लाइन डली थी। लोकल की लाइन जो डली थी तो इट वॉज सपोज टू गो वाया भिवंडी। हाँ, उस टाइम के हमारे एमपी ने ये डिसीजन लिया कि वो मेरे एरिया से जाएगी तो मेरी जगह उसमें कटेगी, तो इट शुड नॉट हैपन, सो इट वेंट फ्रॉम कल्याण। तो जो लोकल की लाइन अगर तब भिवंडी से गई रहती तो आपका क्वेश्चन आज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हमारा टू टाइम का एमपी जो था, ही हैज डन हिज डेवलपमेंट, ही हैज डन हिज डेवलपमेंट, हाउ मच इज ही कंट्रीब्यूटेड दैट डेवलपमेंट टू द सिटी, दैट इज मैटर, दैट इज वेयर द क्वेश्चन कम्स अप। तुम पिछले वाला बना नहीं पाए हो और अगला जो तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, इट हैज नो हाथ और पैर, इट इज अ सेंसलेस डीपी प्लान विच इज नॉट गोइंग टू ग्रो माई सिटी। एक पार्शल एग्जीक्यूशन कुछ ईस्ट में करने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छे लेवल पे वहां पे रोड्स बने हैं, क्यों बन पाए? इट इज नॉट ओनली अबाउट फंड्स, इट इज अबाउट द पर्सन बिहाइंड इट। महेश चौगले इज इन पावर फॉर टू टाइम, ही मे कम इन पावर अगेन इन द वेस्ट, मगर वेस्ट की क्या हालत है? अ लॉट ऑफ कॉन्क्रीट रोड सैंक्शन हो गए हैं, एग्जीक्यूशन कहां है? क्यों एग्जीक्यूशन नहीं है? उसके पीछे पढ़ने की जो जरूरत है, जो कि ईस्ट में किया गया, ईस्ट वेस्ट में भी अगर वो करे तो बहुत बढ़िया काम होगा। कोऑर्डिनेट बिटवीन द टू एंड लेट द बॉल रोलिंग रोलिंग। ये बोल रहा है उसने नहीं किया, वो बोल रहा है उसने नहीं किया, मैं तो सफर हो रहा हूं। दे आर इन पावर, व्हाई आर दे इन पावर? बिकॉज वी हैव इलेक्टेड देम, वी हैव गॉट द राइट टू आस्क देम, यस, के तुमने ये एग्जीक्यूटिव नहीं किया, ये मेरे गांव में अवेयरनेस ही नहीं है कि आई कैन आस्क हिम दैट क्वेश्चन। ये मेरा प्रॉब्लम, वो जो यूथ है वो एंटेंगल हो गया है, वो रात में बैठ के चाय पिएगा, ढाबे पे बैठ के गॉसिप करेगा, वो किसी पॉलिटिशियन के हाजिरी लगाएगा और अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा। यू गेट अ मेमोरियल, सपोजिंग यू स्टार्ट इन एन एरिया ऑफ गैबी नगर वेयर यू डोंट हैव द रोड्स टू ट्रेवल प्रॉपरली से, एंड यू वॉन्ट टू गो आउट, और तुम्हारा मोनोरेल तुमको कचेली छोड़ दे रहा है, तो तुम्हारा रोड टू ट्रैफिक वाला तो पार हो गया ना। लेकिन अगर कोई मेरा एमपी रहता जो उस चीज पे वहां बैठ के झगड़ता कि नहीं आप अगर वो बनाओगे तो उसके अराउंड पॉपुलेशन आएगा ना, तो ग्रोथ होगा ना, तो लोग वहां आएंगे ना, तो वो ट्रैवल कर सकेगा, तो थाना में जॉब लेके वहां जाके रहेगा, तो दैट इज हाउ द ग्रोथ इज गोइंग टू कम। ये कोई करने को मेरे पास था नहीं अभी तक। ही इज इन दिस फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग नाउ, ही शुड कोऑर्डिनेट। प्रॉब्लम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता बिटवीन एमएलएज एंड एमपीज एंड लोकल बॉडी कॉर्पोरेशन। भाई तुम कोई भी पार्टी के रहो ना, सिटी तो तुम्हारा है ना, तो यू हैव टू कम टूगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। हमारे प्रोफेशन में एक चीज बोली जाती है, आप पेशेंट को नेक दिली से इलाज करो, बाद में आपकी बरकत आने ही वाली है। तो यही चीज वो प्रोफेशन में भी है कि आप अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाओ, ज्यादा ग्रोथ करो सिटी का, यू विल ऑल्सो ग्रो विथ इट, विच एवर एमएलए ही वॉज। कुछ दिन ये
रूलिंग में था, कुछ दिन वो रूलिंग में था, द बॉल रोल्ड, उन्होंने सैंक्शंस भी करके लाए, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके प्रोजेक्ट्स भी लाए, बट देर वॉज नो एग्जीक्यूशन, देर वॉज नो एग्जीक्यूशन। एक जमाना था कि हीरो हीरोइन के पोस्टर्स पूरे जहां में दिखते थे, आज कहीं दिखते ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिशियन के दिखते हैं। तो ये जो ऑरा चेंज हुआ है कि दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज सेलिब्रिटीज, ताकि हम ये भूल जाएं कि दे आर अनएम्प्लॉयड। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं O2 ऑर्गेनिक्स, जहां आपको स्किन हेयर एंड बॉडी केयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा वैरायटी में मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। मैं सैफ अली अंसारी हूँ, लाइफ इन भिवंडी की तरफ से हम आपके लिए एक खास इंटरव्यू लेकर आए हैं। हमारे सामने आज है एक मशहूर और मोहतरम डॉक्टर, जो सिर्फ अपनी फील्ड पर ही नहीं बल्कि भिवंडी की तरक्की और भिवंडी के मसाइल में भी, मसाइल के लिए भी कंसर्न है। और हम इनसे जानेंगे कि ये भिवंडी की पॉलिटिक्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट को किस तरह समझते हैं, और आने वाले इलेक्शन में एक बेहतर MLA कैसे इलेक्ट किया जा सकता है। हाय सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द लाइफ इन भिवंडी चैनल, एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आप भिवंडी के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह समझते हैं और कौन से एरिया में ज्यादा सुधार की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं लाइफ इन भिवंडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी एक मुहिम चलाई जिसमें लोगों की राय ली जा रही है, बेहतर गांव के लिए क्या सोच हो सकती है, तो एक माहौल बनेगा, लोग समझेंगे और मेरा गांव बदलेगा का जो नारा है वो आगे बढ़ेगा, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। तो आप लोगों को, तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। थैंक यू। और आपका जो सवाल है कि एजुकेशन फील्ड में जो हमको करने की गुंजाइश है, उसमें ऐसा है कि आज की तारीख में भिवंडी के एजुकेशन को लेकर तकरीबन म्युनिसिपल स्कूलें बंद होने को आ गई। जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, वो जिम्मेदारी से गवर्नमेंट भाग रही है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है। फंड्स की कमी नहीं है, लाने वाला चाहिए जो उसको मोटिवेट करे, लाए जगह पे एग्जीक्यूट करे, और अपने एजुकेशन सिस्टम को या बेसिक पढ़ाई को, प्राइमरी एजुकेशन जो सबका हक है, जो मूल हक है, जो के अपने को अपने फंडामेंटल राइट से मिलता है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल जो है, वो हमारे भिवंडी में बहुत अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ड्रॉप आउट्स जो होते हैं आफ्टर प्राइमरी बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके लिए जो एक बैड एनवायरनमेंट गांव में बनता है, लोग ग्रो नहीं हो पाते, अपनी लाइफ को कोई दिशा नहीं दे पाते, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। तो एक एजुकेशन जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जब लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे तो सही फैसले करेंगे, तो यहां फैसले रुक जाते हैं। इसकी वजह है कि लोगों को समझ ही नहीं है, या यंगर जनरेशन को वो समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो पढ़ाई में वहां पहुंचे नहीं है कि वो समझ पाए। तो मेरी जो सिस्टम से या जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर बहुत तवज्जो देना चाहिए, और उसके ऊपर काम करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा म्युनिसिपल स्कूलों को रिवैम्प करके एक बेटर एजुकेशनल स्टेटस में लाना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूलों पे डिपेंड रहे। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और एक गुजारिश भी है जो सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनसे, ताकि मेरा गांव बेहतर बने और एजुकेशन सिस्टम ऊपर आए। ओके। और भिवंडी में जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी एजुकेशन के ऊपर का आपका जो सवाल है उसको मैं अगर आगे लेके चलूं, तो हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे गांव में हायर एजुकेशन है ही नहीं, बिल्कुल एजुकेशन हायर नहीं है। तो हर एक बच्चे को आगे पढ़ने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, और वहां पे फंड फाइनेंस सब एक मुद्दा बन जाता है। तो एक बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि बच्चियां जो पढ़ना चाहती है, उनको घर वाले बोलते हैं कि भाई तुमको और नहीं पढ़ाया जाएगा,
इसीलिए ड्रॉप आउट रेशियो जो है ज्यादा है, जो ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में अवेलेबल करना चाहिए पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट में, जिसमें यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूट विच कैन कम अप, जो के हमारे एमएलए एमपी जो थे उन्होंने पिछले सालों में उसके ऊपर काम नहीं किया। ओके, दे शुड हैव डेफिनेटली टेकन इट वेरी सीरियसली एंड पुश्ड इट फॉरवर्ड, ताकि मोर इंस्टीट्यूट शुड कम इन और आगे पढ़ाई का एक माहौल बने जिससे बच्चों को लंबा पढ़ने को जाने की नौबत ना आए। हर एक कोई कहता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है या आईआईटी नहीं है, एक ही आईआईटी का जो स्ट्रक्चर है अपने पास उतना ही है, वो कितना कोप अप कर पाएगा। तो इस ताल्लुक से मेरा जो बोलना है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन की जिम्मेदारियां हैं जो उनको उठानी चाहिए, दिल पे लेनी चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करने पे मेहनत करनी चाहिए। एंड सर, जैसा कि आप डॉक्टर है, इतने सीनियर, इतने मशहूर, तो जो भिवंडी में बहुत सारे लोग ऐसा ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि भिवंडी में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकता है, तो इसके लिए कौन से पॉलिटिकल पावर को मेहनत करना चाहिए? यानी कि ये एमएलए यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है या फिर सेंट्रल की जिम्मेदारी है? ये आपने जो हेल्थ वाला क्वेश्चन छेड़ा है, इस चीज को लेके हेल्थ के ऊपर मेरी ओपिनियन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से शुरू होती है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को रिवैम्प करने के लिए एमएलए रईस शेख ने, रईस भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बदलाव आया, लेकिन फायदा कितना पहुंचा अगर मैं देखूं तो इट इज उनकी मेहनत के सामने 10-20% भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? कि उन्होंने भले ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल किया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टाफ जो लाना है वो तो गवर्नमेंट से सैंक्शन होना है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह से रुक जा रहा है। जो डॉक्टर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, तो अगर अपने पास एक बेसिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं है तो मेडिकल कॉलेज लाएंगे कहां पे? ओके, तो जो बेसिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका होना चाहिए इंदिरा गांधी, उसको पहले तो वो मयारी स्टेटस मिलना चाहिए। ओके, वो एक लड़ाई चली जिसमें वो 100 बेड का हॉस्पिटल था जिसको 200 बेड का हॉस्पिटल का स्टेटस देना था, वो कुछ हद तक रईस भाई कामयाब हुए, लेकिन स्टाफ नहीं ला पाए 200 बेड का अभी तक, इसके लिए हॉस्पिटल रुका पड़ा है, इसलिए उसमें वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए, जो उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो अगर हम इस चीज को लेते हुए ये देखे कि मेडिकल कॉलेज लाना, तो हमको हमारा हेल्थ सिस्टम को सुधारना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास हेल्थ सिस्टम आज क्या है? दे हैव टोटली नथिंग। इंदिरा गांधी जो उनके अंदर में होता था वो उन्होंने पीडब्ल्यूडी को दे दिया, आज की तारीख में उनके पास एक हॉस्पिटल नहीं है। वो कब से बन रहा है डिस्पेंसरी के नाम पे, जो इट इज डिलेड प्रोग्राम। दे शुड हाइसन अप, दे शुड बी मल्टीपल ओपीडी सिस्टम्स अवेलेबल इन द सिटी वेर एक गुड लेवल पे एक बेसिक ट्रीटमेंट मिले, और जरूरत पड़े तो उनके सेंट्रलाइज हॉस्पिटल में जाए या इंदिरा गांधी में जाए या फर्दर दे कैन बी फॉरवर्ड। लेकिन इट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न्ड पीपल। कंसर्न्ड पीपल से यहां मैं मुताबिक जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो उस चीज को एग्जीक्यूट कराते हैं, और जो औहदे पे बैठे हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार कॉर्पोरेशन वाले, ये दोनों का मेल नहीं खाता, क्योंकि हर एक की अपनी प्रायोरिटी है। अब इस चीज के अंदर मेरा गांव पीछे रह गया है। हर आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो अपना कैलकुलेशन लेकर आता है। मेरा ये बोलना है कि नो, ही शुड कम इनटू पॉलिटिक्स टू बेनिफिट द सिटी। सिटी के बेनिफिट के लिए वो क्या कर सकता है, उस लाइन के ऊपर उसने अपनी सोच बनानी चाहिए। और सिर्फ मामूली से गटरें बना के पैच वर्क करना इज नॉट द ग्रोथ ऑफ द सिटी। यस, अगर मैं आपको डेवलपमेंट के ऊपर का आपका जो विचार है उस चीज को यहां पे जोड़ दूं, तो मेरा डीपी प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। डीपी प्लान तो बन के रखा है 2004 से। 2004 का डीपी प्लान 15% और 11% और 20% एग्जीक्यूट हुआ है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
इट इज 100% द कॉर्पोरेशन एंड द कॉर्पोरेटर्स बिहाइंड इट. ओके, दे प्रोबेबली वर नॉट अवेयर. मैं उनको ब्लेम नहीं करूं, मैं ये बोलूं कि उनको अवेयरनेस नहीं था. तो फिर मेरी सिटी सो रही थी, मेरे गांव वाले तो थे, वो दे तो वो तो अवेयर थे. जो इंजीनियर्स जो कंसर्न्ड हैं, जिनको मालूम है डीपी प्लान के बारे में, व्हाई डिड दे नॉट अवेकन माय सिटी. बहरहाल मेरी सिटी अवेकन होने लगी है, ये मुझे उम्मीद है आपके इस माध्यम से कि इंशाल्लाह अब मेरा गांव जागेगा और बेहतर फैसले और बेहतर लोगों को लाएगा और इस चीज में डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा और एक अलग डायरेक्शन में वी शुड बी एबल टू टेक माय सिटी व्हिच इज ग्रॉसली लैक्ड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द थॉट. ये थॉट ही नहीं है ना हमारे पास कि हमको क्या मिल सकता है. हम अपने आप में ये जानते ही नहीं है. एजुकेशन को लेके अगर म्युनिसिपल स्कूल में भी बच्चा जा रहा है तो उसको बेसिक एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, हम सोचते ही नहीं. ये हमारी कम्युनिटी का डेफिशिएंसी है. हमको उसकी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसको ड्रॉप आउट नहीं करने के लिए कहां से सपोर्ट ला सकते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए. हम इंडिया के कैपिटल बॉम्बे से सिर्फ 50 किलोमीटर अवे, उसके बावजूद भी मतलब इतना खस्ता यहाँ का डेवलपमेंट है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो आप भिवंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कैसा देखना चाहेंगे? इसके ऊपर मैं आपको बोलूं तो ये हिस्ट्री जाती है वे बैक, जब लोकल की लाइन डली थी. लोकल की लाइन जो डली थी तो इट वॉज सपोज टू गो वाया भिवंडी. हाँ. उस टाइम के हमारे एमपी ने ये डिसीजन लिया कि वो मेरे एरिया से जाएगी तो मेरी जगह उसमें कटेगी, तो इट शुड नॉट हैपन, सो इट वेंट फ्रॉम कल्याण. तो जो लोकल की लाइन अगर तब भिवंडी से गई रहती तो आपका क्वेश्चन आज एग्जिस्ट ही नहीं करता था. फिर भिवंडी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहता और डेवलपमेंट ये जो पर्सनल बेनिफिट का जो थॉट प्रोसेस है, जो कि अभी आपने पिछले सालों में देखा होगा, हमारा 2 टाइम का एमपी जो था, ही हैज डन हिज डेवलपमेंट. He has done his development. How much is he contributed that development to the city? That is matter. That is where the question comes up. तो मेरा अभी अगले MP से ये गुजारिश और request है कि please, please come up with those ideas where my city will benefit. Okay. Right now जो DP plan का जो development plan का base होता है वो तुम्हारा shattered है. At least executed. तुम पिछले वाला बना नहीं पाए हो. और अगला जो तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, इट हैज नो हाथ और पैर. इट इज अ सेंसलेस डीपी प्लान व्हिच इज नॉट गोइंग टू ग्रो माय सिटी. उसके ऊपर लोगों के ओपिनियंस लिए गए लेकिन उसके ऊपर आगे बात नहीं हो रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहे हैं, तो मेरा सिटी डेवलप कैसे होगा? इस चीज को मेरी रिक्वेस्ट है दोनों तीनों MLAs MPs के प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली. हैव ऑफिशियल्स अपॉइंटेड हु कैन गिव यू द बेस्ट आइडियाज. योर कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर्स है उनको ऑफिशियल डीपी प्लान बनाने का जो इंजीनियर का सेटअप है वो उनको एड करो, गेट एडिशनल हेल्प, डू इट द बेटर वे. तुम्हारा रिंग रोड प्लान किया गया था भिवंडी के लिए, रिंग रोड एग्जीक्यूशन जीरो, जीरो, इट डजंट एग्जिस्ट. एक पार्शल एग्जीक्यूशन कुछ ईस्ट में करने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छे लेवल पे वहां पे रोड्स बने हैं, क्यों बन पाए? इट इज नॉट ओनली अबाउट फंड्स, इट इज अबाउट द पर्सन बिहाइंड इट. ही हैज मेड इट अ पॉइंट कि वो पर्सनली एक एक चीज को पुश करे तो काम होता है. हेंस माय रिक्वेस्ट इज कि जो भी पावर में रहे, महेश चौगले इज इन पावर फॉर 2 टाइम्स, ही मे कम इन पावर अगेन इन द वेस्ट, मगर वेस्ट की क्या हालत है? अ लॉट ऑफ कॉन्क्रीट रोड सैंक्शन हो गए हैं, एग्जीक्यूशन कहां है? क्यों एग्जीक्यूशन नहीं है? उसके पीछे पढ़ने की जो जरूरत है, जो कि ईस्ट में किया गया, ईस्ट वेस्ट में भी अगर वो करे तो बहुत बढ़िया काम होगा. उन्होंने महेश ने बहुत सारे सैंक्शन लेके आए, ये सैंक्शन प्लान ऑलरेडी, एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो मेहनत करने की जरूरत है वो अगर महेश एक उसकी टीम लगा दे
तो मेरा गांव का रोड का नक्शा बदल जाएगा। इट इज ऑल रेडी ऑन पेपर, मगर करने कराने की जरूरत है। एग्जीक्यूशन इज गेटिंग डील। भिवंडी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, MMRDC सैंक्शन कर रही है और कॉरपोरेशन को एग्जीक्यूट करने को कह रही है, तो ये गैप फिलिंग कौन करेगा? ये प्रॉब्लम है जो मेरे सिटी के रोड डेवलप नहीं हो रहे हैं। ये गैप फिलिंग किसी को तो करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग माय MLAs कि यू प्लीज टेक इट अप, टेक इट ऑन योर हेड, कोऑर्डिनेट बिटवीन द टू एंड लेट द बॉल रोलिंग रोलिंग। ये बोल रहा है उसने नहीं किया, वो बोल रहा है उसने नहीं किया, मैं तो सफर हो रहा हूं, लोग तो पिस रहे। तो माय रिक्वेस्ट टू द रिस्पॉन्सिबल पीपल इन द कॉर्पोरेशन एंड द पॉलिटिशियंस हु आर इन पावर, इन पावर, दे आर इन पावर, व्हाई आर दे इन पावर? बिकॉज वी हैव इलेक्टेड देम, वी हैव गॉट द राइट टू आस्क देम, यस, के तुमने ये एग्जीक्यूटिव नहीं किया, ये मेरे गांव में अवेयरनेस ही नहीं है कि आई कैन आस्क हिम दैट क्वेश्चन। ये मेरा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरा जो प्राइम थॉट है कि वी शुड एजुकेट आर नेक्स्ट जनरेशन, तो कम से कम वो तो पूछने लगेगा। ये जनरेशन हमारा पढ़ा ही नहीं तो पूछ नहीं रहा। या मेरे जो यंगर बॉयज हैं, जो आज यूथ है मेरा, यूथ ऑफ भिवंडी, वो जो यूथ है वो एंटेंगल हो गया है। वो रात में बैठ के चाय पिएगा, ढाबे पे बैठ के गॉसिप करेगा, वो किसी पॉलिटिशियन के हाजिरी लगाएगा और अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा। दैट इज नॉट व्हाट ही इज फॉर। उसका एक लाइफ में टारगेट होना चाहिए जो उसको पढ़ाई से मिलेगा, जिसके बाद उसको एक दिशा मिलेगी और वो इन लोगों को क्वेश्चन पूछने का लायक होगा और मेरा गांव सुधरेगा। इज व्हाट आई फील could be a direction where my city can go. What is the solution for traffic and transportation for Bhiwandi, and can't we expand the local railway to the Bhiwandi? Because we can see the local railway have gone to the Kasara, but Bhiwandi people don't get the local railway connectivity. Why? आपने जो road और traffic का question पूछा उसको थोड़ा पीछे रखते हो, पहले आपका लोकल रेलवे वाला जो क्वेश्चन है उसको मद्देनजर रखते हुए, लोकल रेलवे का अगर आप डाइवर्जन प्लान सोचो तो कैसा है कि इट्स अ प्रोजेक्ट विच हैज टू बी प्लान्ड एंड प्रोग्राम्ड। जब कोई भी प्रोजेक्ट प्लान होता है ना, तो उसकी फिजिबिलिटी, कॉस्टिंग एंड द नंबर ऑफ पीपल बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, पॉपुलेशन कंसर्न का जो फिगर बैठता है, तो एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन आता है कि इसमें कितने लोग बेनिफिट करेंगे। ओके। अनफॉर्चुनेटली वो पॉपुलेशन एक्सटेंड हो नहीं रहा है कि इस टाइप का कुछ रेलवे का लोकल का सबॉर्डिनेट लाइन इसमें जुड़ सके। तो इसके लिए द सोल्यूशन फॉर यू इज व्हाट इज कमिंग नाउ, जो कि मेट्रो या मोनोरेल। मोनोरेल तुम्हारे सिटी के लेवल पे बन सकती है। अगर तुम्हारा सक्सेसफुल एक रिंग रोड बने तो उसके ऊपर एक लोकल मोनोरेल चलने लग जाए, जो कि तुम्हारे सिटी वाले अपने लेवल पे चलाने लगे, यू नो दैट इज वेयर योर कनेक्टिविटी इंप्रूव्स। ओके। यू गेट अ मोनोरेल, सपोजिंग यू स्टार्ट इन एन एरिया ऑफ गैबी नगर वेयर यू डोंट हैव द रोड्स टू ट्रेवल प्रॉपरली से, एंड यू वॉन्ट टू गो आउट, और तुम्हारा मोनोरेल तुमको कचेली छोड़ दे रहा है, तो तुम्हारा रोड तो ट्रैफिक वाला तो पार हो गया ना। तुम वहां से अगला पड़ाव तुम्हारा चल जाओगे। यहां आज की तारीख में जो भिवंडी से थाना पहुंचने को मुझे हफ्ते में 3 से 4 दिन 1.5 से 2 घंटा मेरा वेस्ट करना पड़ता है, जो कि सिर्फ 35 मिनट का रास्ता है मेरा, तो आई वेस्ट टोटल 3 hours ऑफ द डे ट्रेवलिंग दैट स्पेस, विच इज अ बिग लॉस। और इसी तरीके से बाकी के लोग जो जॉब पे जाते हैं, अब थाना इज अ बिग हब ऑफ IT इंडस्ट्री, यस, कितने भिवंडी के बच्चे वहां पे जॉब पे जाते हैं, बहुत ज्यादा, क्या स्ट्रगल होता है उनका, वो पहुंच ही नहीं पाते, वो सफर करते हैं, वो जॉब वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ता है।
पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स और उसके वजह से फाइनली नाउ द कंपनीज हैव कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि भाई वी डू नॉट वर्क फ्रॉम होम, यू कम हियर यू वर्क हियर एंड दैट इज व्हाई दे आर रिड्यूसिंग द नंबर्स, पीपल आर लूजिंग द जॉब्स बिकॉज ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं ये सिटी डेवलप नहीं होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से वी हैव नॉट रीच देयर। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर कैसा है कि अपना मेट्रो का जो आया मेट्रो कल्याण नाके से जाने की जगह एक बिगर सर्कल लेके अगर बाहर से चली जाती बंजार पट्टी नाका लेते हुए तो और बेनिफिट मिलता लोगों को, लेकिन उसके कॉस्टिंग का जो डिफरेंस था ना, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू सेल दैट काइंड ऑफ मनी बिकॉज उनको उतनी इफेक्टिविटी वहां दिख नहीं रही है, उतनी रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा। लेकिन अगर कोई मेरा एमपी रहता जो उस चीज पे वहां बैठ के झगड़ता कि नहीं आप अगर वो बनाओगे तो उसके अराउंड पॉपुलेशन आएगा ना, तो ग्रोथ होगा ना, तो लोग वहां आएंगे ना, तो वो ट्रैवल कर सकेगा तो थाना में जॉब लेके वहां जाके रहेगा, तो दैट इज हाउ द ग्रोथ इज गोइंग टू कम। ये कोई करने को मेरे पास था नहीं अभी तक, तो दैट इज व्हाई अ प्रॉपर पॉलिटिशियन हु वुड टारगेट कि मुझे गांव को ग्रोथ लाना है। ईस्ट के हमारे एमएलए जो है उन्होंने मुंबई कॉरपोरेशन से कॉन्क्रीट रोड सैंक्शन करके लेके आए ताकि हमारे जो शांति नगर वाले लोग हैं उनको ट्रैवलिंग इजी हो जाए। आई थिंक दैट इज दी बक जहां लोगों ने अपना दिमाग लगाना चाहिए। अभी हमारे एमएलए साहब एमपी साहब जो है ही इज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, ही इज इन दिस फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग नाउ, ही शुड कोऑर्डिनेट। प्रॉब्लम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता बिटवीन एमएलएज एंड एमपीज एंड लोकल बॉडी कॉर्पोरेशन। भाई तुम कोई भी पार्टी के रहो ना, सिटी तो तुम्हारा है ना, तो यू हैव टू कम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म। आपने हर महीने में तीनों ने मिलके चारों ने मिलके एक डिनर साथ में लेना चाहिए जिसके ऊपर आपके पास एजेंडा होना चाहिए व्हाट टू डिस्कस। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इफ दे कम अप विद दिस थॉट प्रोसेस मेरा गांव बदलेगा ही, माय सिटी वुड बी अ डिफरेंट सिटी एंड आई एम वेरी श्योर भिवंडी हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, इट इज ओनली जस्ट नीड्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मेरे कॉर्पोरेशन में भी मेरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्टाफ बैठा है दे आर रेडी एंड विलिंग टू वर्क, मगर उनको डायरेक्शन देने वाला नहीं है। अगर समबडी वन ऑफ देम थिंक्स ऑफ समथिंग पॉजिटिव, यस, देयर इज समबडी एल्स टू स्टॉप हिम, क्योंकि हर एक आदमी अपना पर्सनल बेनिफिट देखता है। स्पेशली भिवंडी में ये होता है। मैं यहाँ पे एक कमेंट दूंगा कि आप अपना पर्सनल बेनिफिट देखो, नहीं देखो ये भी नहीं बोलता मैं, लेकिन बाद में देखो, पहले सिटी को देखो, वो सब ऑटोमेटाइज्ड है। ये सेकेंडरी वो प्राइम। हमारे प्रोफेशन में एक चीज बोली जाती है, आप पेशेंट को नेक दिली से इलाज करो बाद में आपकी बरकत आने ही वाली है। तो यही चीज वो प्रोफेशन में भी है कि आप अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाओ, ज्यादा ग्रोथ करो सिटी का, यू विल ऑल्सो ग्रो विथ इट। ओके, तो दिस इंटेंशन हियर इज के हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे शुड टेक दिस वेरी सीरियसली ताकि माय सिटी आर सिटी develops and grows in a more positive direction. Okay. In the coming election, what qualities you want to see in the MLA? It is a very difficult question, yaar. You can point just three. Question पूछा इसलिए मैंने इतना English में आपको जवाब दे दिया कि बहुत difficult सवाल है ये कि MLA में qualities basically कैसा होता है कि हर एक बंदे के अंदर अपनी qualities होती है। मैं ये बोलूंगा कि अगर वो उसकी क्वालिटीज को गांव के सुधार के लिए यूज करे ना तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ओके, एमएलए हुएवर प्रेजेंट एमएलए ओल्ड पास्ट एमएलए नियर कमिंग एमएलए उनको ये देखना चाहिए कि मैं सिटी के ग्रोथ के लिए क्या कर सकता हूं,
मेरा इस पॉलिटिशियन से जमता नहीं है, मेरे पार्टी का नहीं है वो, मैं उससे मेरा काम कैसे निकालूं, मैं उससे मेरी दोस्ती कैसे करूं। ये तरीका है टू गेट अक्रॉस एंड गो ऑन अहेड। ये क्वालिटी रहना चाहिए लीडर के अंदर, समझेंगे? ओके। तो राइट नाउ हमारे पिछले 10 साल में रूलिंग पार्टी में हमारा एमएलए बैठा रहा, विच एवर एमएलए ही वॉज, कुछ दिन ये रूलिंग में था, कुछ दिन वो रूलिंग में था, द बॉल रोल्ड, उन्होंने सैंक्शंस भी करके लाए, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके प्रोजेक्ट्स भी लाए, बट देर वॉज नो एग्जीक्यूशन, देर वॉज नो एग्जीक्यूशन। तो मेरा इसलिए बोलना यहाँ क्या है कि यू हैव टू बी इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। आप इसके साथ बैठोगे तो शायद इसमें कुछ एबिलिटी है जो आगे मुझे कैसा डायरेक्शन लेके जाना हमें समझ दे। असेंबली के अंदर आपको सवाल जवाब अगर पूछना है ना, तो आप 10 सवाल पूछोगे तो आपको एक सवाल पूछने मिलेगा, तो उसके पीछे आपको पूरी टीम लगा के रखनी पड़ती है। देन ही दैट होल कॉन्वर्सेशन कम्स अप, जहां तुम अपनी बातें रख सको और सामने वाला मिनिस्टर आपको वहीं के वहीं उसका पॉजिटिव रिप्लाई दे। तो ये एबिलिटी जो रखता है, जो वो आईक्यू रखता है, जो उस चीज को समझ सकता है कि मुझे कोई चीज रखने के लिए मुझे उसका एक बेस स्टडी करना पड़ेगा, तो उन कंसर्न लोगों से जाके मिलता है, मीटिंग्स करता है, उनसे डेटा लेता है, वो डेटा को अपने ऑफिशियल आदमी के पास एनालाइज करता है और उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार करता है, फिर वो क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करेगा। वो क्वेश्चन कितने पुट फॉरवर्ड करेगा? 30 पूछे जाएंगे 2। तो उतने एम्पटीट्यूड में उसको लोगों से इंटरेक्शन करके मेरे गांव को क्या बेहतर दे सकूं, समझे? हम तो ये भी देखते हैं सर कि मतलब जैसे ही कोई लीडर इलेक्ट होकर आता है तो उसका पब्लिक रिलेशन सबसे पहले ब्रेक हो जाता है। यानी कि आप देख लीजिए कि एमएलएज और एमपीज पब्लिक के कितना मतलब टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। मतलब लोकल पीपल दे कैन नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाई ही शुड फील इंपॉर्टेंट और स्पेशल। तो ये मतलब ब्रेक होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा, वी शुड लर्न टू क्वेश्चन। यस, ये वही बात है ना कि अगर हम आप उनसे पूछने लगेंगे कि ये क्यों नहीं या ऐसा क्यों नहीं, तो उस चीज का आगे इंटरेक्शन बनेगा, आगे बात बनेगी और उसके आगे मैटर जाएगा। आज हम वो आदत में ही नहीं है कि हम इनको कुछ पूछ सकते हैं। वी डू नॉट नो दैट दे आर सपोज टू बी आर एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट इज पेइंग देम फॉर दैट। या दे आर सैलरीड, दे आर सैलरीड। अभी ये जो ऑरा बना है कि दीज पीपल आर सपोज टू बी हाई रेटेड पीपल एंड दे आर सेलिब्रिटीज। एक जमाना था कि हीरो हीरोइन के पोस्टर्स पूरे जहां में दिखते थे, आज कहीं दिखते ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिशियन के दिखते हैं। तो ये जो ऑरा चेंज हुआ है कि दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज सेलिब्रिटीज, ताकि हम ये भूल जाएं कि दे आर एन एम्प्लॉइज। हमको उनसे काम लेने के लिए उनको सवाल जवाब करना पड़ेगा। हम जब तक उनसे सवाल जवाब करेंगे नहीं, तब तक हमको हमारे मसले के हल निकलेंगे नहीं। हमको पॉलिटिशियन ऐसा चाहिए जो हमारे सवालों को सुने। ही मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू आंसर ऑल ऑफ देम, लेकिन सुने तो, क्योंकि लोगों को आंसर करना उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि उसकी लायबिलिटी है। तो सुनने के लिए अगर उन्होंने एक ऑफिस बनाई है, सबकी ऑफिस है, जनसंपर्क सब कार्यालय सबका है, लेकिन वहां पे जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि दे आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन विद पब्लिक। वहां पे कितनी पब्लिक जाके अपना एक क्वेश्चन डालते हैं? नहीं डालते। कहीं ना कहीं ये भी है कि लोग एमएलएस के पास और एमपीएस के पास अपनी शिकायत लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनको लिखित में अपनी शिकायत देना चाहिए ताकि उनके पास भी रिकॉर्ड रहे और वो भी हायर डिपार्टमेंट
से मतलब फंड के लिए और ये सब चीजों के लिए उनको आसानी रहेगी एमएलएस को एमपीस को कि हमारे इलाके के लोगों की ये शिकायत है ना, ये भी हो सकता है कि लोगों को मतलब एक तो जागने की जरूरत है, सिस्टम हमको अवेकन करने की जरूरत है। आज की तारीख में इतना इजी हो गया है। आप लाइफ इन भिवंडी के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि मतलब इस मामले में लोगों को किस तरह जागना चाहिए कि एमपी के पास एमएलए के पास अपनी शिकायत लेकर जाओ एंड आस्क देम कि मेरी इस शिकायत पे आपने कितना प्रोसेस किया। मैं इसको ये कहना चाह रहा हूं कि शिकायत लेके जाने की जगह पे यू कैन हैव योर वेबसाइट, यू कैन हैव योर सिस्टम्स ऑन द नेट अवेलेबल। दीज एमएलए एमपी कैन हैव दैट अवेलेबल वेयर एनीबॉडी कैन पुट अप अ क्वेश्चन, दे कैन डाउनलोड दैट क्वेश्चन, their concerned person can go and address that question. Yes. And that is how my gaon will go. So they should come up with their availability ke bhai this is our website, you can put up your question on this, can put up your queries on this and people can start. Yes. ye bhi ek acha way ho sakta hai, samjhe ki na, aaj jo system available hai technology ka uska istemal karte hue agar hum सवालात पूछने की आदत में आए तो मेरे को नहीं लिखते आता तो भाई जरा ये मेरा टाइप कर देना यार, ये मेरे को पूछना है यार, तू पूछ लेना मेरे लिए, मेरी ये तकलीफ है तू लिख दे मेरे को एमएलए के पास जाना। एनीबॉडी कैन डू इट, देयर इज नॉट अ बिग क्वेरी और देयर इज नथिंग, यू हैव द राइट टू आस्क, यू शुड आस्क। और माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इन द टाउन हियर इज यू प्लीज कम टुगेदर एंड थिंक पॉजिटिवली ताकि वी कैन हैव अ बेटर भिवंडी। उसके लिए हमको हमारा पर्सनल अवेकनिंग करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिस तरह से पॉलिटिशियन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पॉलिटिशियन हैज गॉट टू पार्ट्स, दे हैव गॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देट दे हैव गॉट देयर क्या बोलते हैं उसको बेनिफिट्स। एवरीबडी लुक्स एट जस्ट द बेनिफिट्स पार्ट ऑफ द स्पॉट, व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट ऑफ दिस। मतलब पावर मिलती है तो वो बेनिफिट को देखती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हें कहीं ब्रेक करती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो भूला है, ये जिम्मेदारी हमको उनको याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ भिवंडी का सिटीजन। क्या मैं ये कर रहा हूं? मेरा जवाब है नहीं। यस, मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे को रोने का हक कहां है? मैं वोट देने जाता हूं तो मैं वोट देने के टाइम पे उससे जो भी मांगता हूं या लेता हूं तो वो मुझे दे देता है, तो उसके बाद मेरे मांगने का हक मैं तो गवा देता हूं ना। वेरी सैड। लेकिन इन पॉलिटिशियनों ने सिटी को ये आदत लगा दी है कि यू टेक व्हाट यू वांट नाउ, डोंट बॉदर मी लेटर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो वो आदत लग गई है मेरी सिटी को। अब इसमें से यंगर जनरेशन को और आने वाले जनरेशन को समझना है और अपने आप को निकालना है कि भाई इलेक्शन के टाइम मैं किसी की चाय भी नहीं पीऊंगा, मैं कहीं नाश्ता भी नहीं करूंगा, मैं कहीं ढाबे पे खाने भी नहीं जाऊंगा। तब एक पीस माइंड से मैं मेरा वोट मेरे हक से डालूंगा, I will vote for the better of the candidate. Okay. I have got a relationship with you. You are very good to me. I am very good to you. Are you going to listen to me or execute good things tomorrow in my city? Then I'll vote for you. ये एक रापो बनना चाहिए आपके best relationship man के साथ, ताकि हम गांव को definitely एक better direction में ले जाए। और सर last question की आपको क्या लगता है भिवंडी के लोगों का पॉलिटिकल माइंडसेट ठीक है या फिर दे नीड टू चेंज दैट? भिवंडी के लोगों का अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट पॉलिटिक्स की तरफ बहुत निग्लेजेबल है। देर इज से 10-15% बेली पीपल हु आर हैविंग एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिक्स दैट हैपेंस इन द सिटी। 85% ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एंड डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। ये हमको अवेकनिंग करने की जरूरत है जो हम
एलआईबी के जरिए से आप जो ये मुहिम चला रहे हो, अवेकनिंग ऑफ द गांव एंड हाउ योर एमएलए शुड बी एंड हाउ द पॉलिटिशियन शुड बी, ये जो आप सवाल जवाब लेके चले हैं उस सिटी में, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ द बिगिनिंग वेयर माई गांव या मेरी सिटी अवेकन होगी, जागेगी और एक नई दिशा में जाएगी, ऐसी मुझे बहुत उम्मीद है।